पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तेवर कुछ बदले बदले से हैं, खास तौर से जब से उन्होंने खुद भरे मन से ये कहा कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। उसके बाद से कांग्रेस का ये सबसे पुराना और तजुर्बेकार नेता फिलहाल अलग अंदाज में नजर आ रहा है। 9 साल जिस सीट से वो सांसद का चुनाव जीतते रहे, वहीं उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अब आराम करना चाहिए। आगे ये भी कहा कि वो बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। मैं आराम करने को तैयार हूँ, मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया होगा। तो मैं घर बैठे मैं भी आराम करने को तैयार हूँ। मैं क्या करूं भविष्य में, ये आपको तय करना। इस बयान के बाद वो उस मीटिंग में भी नजर नहीं आए जिसमें शिरकत करने प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक खास तौर से भोपाल आए। मीटिंग में नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा हुई, पर इस चर्चा में केवल दिग्विजय सिंह ही बड़े नेताओं के नाम पर मौजूद रहे। चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस दिन कमलनाथ ने संन्यास के संकेत देता हुआ बयान दिया, उसके अगले ही दिन इस बयान से पलट भी गए और कह दिया कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब राजनीतिक विशेषज्ञ कमलनाथ के उस बयान के मायने निकाल रहे हैं, जिनका आकलन ये है कि कमलनाथ संन्यास लेने के मूड में नहीं है। ये बयान सिर्फ एक इमोशनल ट्रीटमेंट था, ताकि जो कार्यकर्ता फिलहाल सोए हुए हैं, उन्हें नगरीय निकाय चुनाव की जीत के लिए जगाना जरूरी है, क्योंकि ये चुनाव अब कमलनाथ का आखिरी इम्तिहान माना जा रहा है। इस चुनाव में फेल होना कमलनाथ की तीसरी और सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी।